हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी फ्रूट पैनकेक रेसिपी फॉर किड्स, जो कि काफ़ी हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है और बच्चे इजीली खा भी लेते हैं। बीइंग अ मदर टू अ 4-year-old किड, आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अदर मदर्स ऑल्सो, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर देम टू मेक देयर चाइल्ड ईट प्रॉपरली। माई चाइल्ड इज़ अ पिकी ईटर, तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट फूड वेराइटीज़ ट्राई करनी पड़ती हैं। उन्हीं में से दो वेराइटीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट इज़ बनाना पैनकेक एंड सेकंड इज़ एप्पल पैनकेक। दोनों ही काफ़ी हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम मिक्सिंग बोल में एक अंडा फोल्ड लेंगे, फिर उसमें हम 1 pinch ऑफ इलायची पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद 3-4 टेबल स्पून ऑफ हनी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं शुगर यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज हनी इज़ अ हेल्दी ऑप्शन। फिर हम उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। नाउ आई विल ऐड 3-4 टेबल स्पून ऑफ व्हीट फ्लोर। साथ के साथ मैं मिल्क भी ऐड करती जाऊँगी, 1/2 cup ऑफ मिल्क मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। नाउ आई विल टेक 1/2 बनाना, उसको मैंने अच्छे से मैश करके इसमें मिक्सचर में डाल लिया है। नाउ आई एम एडिंग 1/2 teaspoon ऑफ बेकिंग पाउडर एंड देन 1 pinch ऑफ सॉल्ट। अगेन हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। नाउ आवर बैटर इज़ रेडी। नाउ आई विल हीट द पैन ऑन लो फ्लेम एंड एडिंग घी इन इट। अब मैं बैटर डालूँगी इसमें। मैं स्मॉल राउंड पैनकेक्स बना रही हूँ। अब उसको एक साइड से कुक होने देंगे। एक साइड से कुक होने के बाद उसको पलट देना है और अच्छे से प्रेस करते रहना है, जिससे वो एजेस से भी अच्छे से कुक हो जाएं। नाउ और पैनकेक्स आर रेडी। और अब जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसके भी मैं राउंड पैनकेक्स बना लूँगी। इन्हें भी एक साइड से अच्छे से कुक होने देना है एंड उसके बाद उनको पलटना है। अभी एक तरफ से कुक हो चुके हैं, इनको दूसरी साइड से भी कुक होने देंगे। नाउ दे आर रेडी। नाउ आई एम स्प्रेडिंग हनी ऑन इट। हनी बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, हेल्दी भी होता है। नाउ अब बनाना पैनकेक्स आर रेडी। बनाना पैनकेक्स काफ़ी यम्मी होते हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। सेकेंड रेसिपी जो कि एप्पल पैनकेक है, उसके लिए हम सबसे पहले एक अंडा फोड़ लेंगे मिक्सिंग बोल में, फिर उसमें 2 pinch ऑफ दालचीनी पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद 3-4 टेबल स्पून ऑफ हनी ऐड करेंगे। अब उसको अच्छे से बीट कर लेंगे मिक्सचर को। नाउ मिक्सचर को बीट करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे 3-4 टेबल स्पून ऑफ व्हीट फ्लोर। मैंने यहाँ पे मैदा यूज़ नहीं किया है क्योंकि व्हीट फ्लोर ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन होता है। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम दोबारा से इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं उसमें साथ के साथ मिल्क भी ऐड करती जाऊँगी। अब इस बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम एक एप्पल लेंगे, उसको अच्छे से पील कर लेंगे और फिर मैं इस एप्पल को ग्रेट कर लूँगी। फिर इस ग्रेटेड एप्पल को मैं इस बैटर में डाल दूँगी और फिर उसको अच्छे से बीट कर लूँगी। नाउ इसको अच्छे से बीट करने के बाद मैं इसमें 1/2 teaspoon ऑफ बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी एंड 1 pinch ऑफ सॉल्ट। अगेन आई विल मिक्स इट वेल। नाउ द बैटर इज़ रेडी। नाउ अगेन वी विल हीट द पैन ऑन लो फ्लेम एंड विल ऐड 1 tablespoon ऑफ घी। नाउ हम इस बैटर को इसमें डालेंगे। एक बार में मैं 2 round पैनकेक्स बना रही हूँ। इसको अच्छा सा प्रॉपर सा राउंड शेप दे दें। अब हम इसको एक साइड से अच्छे से कुक होने देंगे लो फ्लेम पर। अभी एक साइड से कुक हो गया है, अब हम इसको टर्न कर देंगे और अच्छे से प्रेस करते हुए इसके
इसकी एजेस को, हम दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। सो आवर एप्पल पैनकेक्स आर रेडी। नाउ रिमेनिंग मिक्सचर को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। ये दोनों तरह के पैनकेक बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी बन जाते हैं और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आते हैं और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं बच्चों के लिए। मैंने यहाँ दोनों पैनकेक्स में शुगर यूज़ नहीं करी है, मैंने हनी ही यूज़ करा है। और जब हम ये फ्रूट्स ऐड करते हैं तो उनकी खुद की भी एक स्वीटनेस होती है जो कि आप पैनकेक बना रहे हैं उसमें आ जाती है। हनी